नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी में। दोस्तों, हम हैं आज IARI के कन्वोकेशन फंक्शन में, जहां पे मेरे साथ है अर्चना जी। इनको PhD की डिग्री मिली है, तो आइए बात करते हैं अर्चना जी से और कैसे ये एग्रीकल्चर फील्ड में आई हैं इनके बारे में जानते हैं। अर्चना, जैसे कि जनरली जो हमारी यूथ है वो एग्रीकल्चर फील्ड से दूर भागती है, वो दूसरे फील्ड में चली जाएंगी। आजकल जो है बहुत ऑप्शन है करियर का, तो आपने एज अ गर्ल भी और एज अ यूथ भी आपने एग्रीकल्चर फील्ड कैसे चुना, उसमें भी PhD करना? एग्रीकल्चर सिंस व्हेन आई स्टार्टेड एंड देन स्टार्टेड कीप रीडिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, सो इट आई फेल्ट लाइक इट्स सो फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर फूड एंड एवरीबडी शुड अवेयर ऑफ दिस एंड इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। इन फैक्ट आई से इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द स्कूल लेवल, लाइक द जियोग्राफी हिस्ट्री वी रीड, लाइक द वन ऑफ द सब्जेक्ट एग्रीकल्चर एजुकेशन शुड ऑल्सो बी देयर। बिकॉज वेन आई अर्लियर आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द एग्रीकल्चर, बट वेन आई entered in this field after selecting through the All India examination, which is conducted by Indian Council of Agriculture Research. So then I came to aware that this is a very important subject. In fact, who did not opt for the degree, they should also know about the agriculture, because you might be aware that 1950 there is a food crisis in India, and we could not even able to have a food for sufficient food for the our agriculture, our population of the India, and India is considered as a begging bowl because we used to import lot of the product and we use for the our consumption. And since 1966 there is Green Revolution came, which is one of the milestone of this institution, and Dr. M.S. Swaminathan and other colleague has contributed a lot, and they have imported and wheat and rice, short duration wheat and rice variety, and this Green Revolution, it has a large impact, and we came from 50 million ton to 150 million ton, and now the it has increased a lot, and we are self-sufficient in the field of agriculture. Even the population is growing in large, and we have the sufficient food, even we export lot of the produce. So it is really a great achievement. You might have heard in the Director General's speech and the Sri Radha Mohan Singh speech, they have mentioned that we have developed the variety from this institute, which has given the overall revenue of the 16,000 crore, a single variety. So you can consider, if we contribute in this science, so we can definitely do the great. जैसे कि आपने लोग फील्ड पे भी गए होंगे, एक्सटेंशन पे भी आपने काम किया होगा, आपको परेशान पता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स है, तो क्या इन 9.5 साल में कुछ सॉल्यूशन मिला है जो आप अभी जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं किसानों के पास जाके, या फिर आप जो है वो फ्यूचर साइंटिस्ट है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है हमारे, तो उसमें जो है वो किस तरीके से हम लोग जो है किसानों की आय जो डबल करनी है 2022 तक, तो उन सब में क्या आपका क्या योगदान हो सकता है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि हम एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, तो हमारे दिमाग में रिसर्च तो रहना ही चाहिए। रिसर्च हम करेंगे, अच्छी वैरायटी या अच्छे किस्म की प्रजातियां विकसित करेंगे, एंड साथ ही साथ जो एक्सटेंशन है वो भी हमारे दिमाग में, एक्सटेंशन मतलब जो हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करी वो हमारे अल्टीमेट यूज़र फार्मर के पास पहुँचना चाहिए, तो इसमें भी हमारी भूमिका अहम है। तो हमें अपने रिसर्च के साथ साथ हमें एक्सटेंशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, और इसी के तहत अभी सरकार ने मेरा गांव मेरा गौरव एक स्कीम तैयार लॉन्च किया है, जिसमें कि हर किसी साइंटिस्ट को, जैसे कि मैं भी अभी साइंटिस्ट हूँ, जस्ट नाउ आई गॉट सेलेक्टेड एज अ साइंटिस्ट, सो जैसे ही एज एन वेन हम जब आते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो हमें एक गांव अडॉप्ट करना पड़ता है, तो जैसे कि वो होता है कि एक आप बच्चे को अडॉप्ट कर लिए, तो हमें उसके कम्प्लीटली टेक केयर जो भी है कि वो क्या ग्रो कर रहे हैं, क्या उनकी कमियाँ हैं, क्या उनके पास है, क्या नहीं है, तो हम उसको समझें और उनको इसी तरह से सलाह दें। इवन तो हमारे पास साइंटिस्ट की कमी है, लेकिन जहाँ तक भी हम पहुँच सकें हमें अपना 100% देना है, और इसमें हम अपने विश्वास पे
अटल रहेंगे। जी अर्चना जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए। उम्मीद यही है कि फ्यूचर में जो है हमारे किसानों को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जैसे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है वो उनकी मदद करने के लिए हमेशा है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमने आपको मिलवाया अर्चना जी से, जो कि फ्यूचर में जो है वो कृषि से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी या एग्रीकल्चर अनुसंधान होंगे तो उसके लिए किसानों की भी मदद करेंगे और नए नए चीज़ें रिसर्च करने में भी मदद करेंगी यूनिवर्सिटी में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।